नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल नागर है और विनाईएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछला जो वीडियो था, हमने महिला जो चर्चा में रही थी उनके बारे में कवर किया था। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जो पार्ट टू है वो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। एमसीक्यू के फॉर्म में जितनी भी महिलाएं न्यूज़ में हैं 2023 और 2024 में, उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का, जो महिलाएँ न्यूज़ में थी उनसे संबंधित, नाडा ने प्रतिबंधित एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ड्रोस्टानोलोन के लिए किस महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो विच फीमेल वेटलिफ्टर हैज बीन बैंड बाय नाडा फॉर फोर इयर्स फॉर द बैंड एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ड्रोस्टानोलोन। सो इसके ऑप्शन चार, जिसमें हमारा सही उत्तर है संजीता चानू एक वेटलिफ्टर है। इन पर नाडा ने प्रतिबंध लगा दिया है और प्रतिबंध इसलिए लगाया है क्योंकि इन्होंने एक बैंड जो स्टेरॉइड है वो लिया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाडा क्या है। जैसे नाडा एक शॉर्टफॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा जिसकी फॉर्मेशन 2005 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सो ये नाडा के बारे में। नाडा जो कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित खिलाड़ी होते हैं, वो जैसे कि कभी स्टेरॉइड लेते हैं या कुछ ड्रग का एब्यूज़ करते हैं, तो अगर वो पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा ड्रग एब्यूज़ लिया है अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए या अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए, तो नाडा की जब चेकिंग में अगर ऐसे खिलाड़ी में कुछ भी ड्रग से संबंधित जो भी जांच में पाया जाता है तो उनको प्रतिबंध कर दिया जाता है, और वो प्रतिबंध करने का कार्य नाडा करती है। इसीलिए ये जो नेशनल लेवल पे तो नाडा कार्य करती है, परंतु वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, वाडा जिसे बोलते हैं। ये वर्ल्ड लेवल पर जो भी खिलाड़ी जो ड्रग जो स्टेरॉइड लेते हैं, बैंड स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, तो उन पर कार्यवाही का कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? हु won द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2023? तो हमारा सही आंसर है माधुरी पटेल। इन्होंने जो ऑप्शन बी है, माधुरी पटेल जी ने मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? तो इसका सही आंसर है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तेंजिंग यांकी, ये अरुणाचल प्रदेश की पहली आईपीएस अधिकारी, महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, जो 7 बहनों में से एक है, 7 सिस्टर्स में, और इसकी राजधानी ईटानगर है। यहीं पे आबोर हिल्स है जो कि ईस्टर्न हिमालय की हिल्स है, और यहीं पर दीपू पास भी है जो कि ट्राई जंक्शन है बिटवीन म्यांमार, तिब्बत एंड इंडिया के बीच में। सो इससे संबंधित ये जानकारी दीजिए जो मैंने आपको बताई है। अगला प्रश्न, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज सर्विस डिवीज़न? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ऑप्शन डी। डॉक्टर वसुधा गुप्ता को नई प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज़ सर्विस। आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो सबसे पहले 1927 में स्टार्ट किया गया था, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, बाद में आकाशवाणी कर दिया गया, फिर और जिसके बाद में रेडियो से संबंधित जो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंदौर ज़िले में सबसे पहले हुआ था 22 मई 1955। सो ये सभी ईयर याद रखना, क्योंकि अभी लास्ट में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया था 22 में कि टेलीकम्युनिकेशन मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ था, जिसका सही आंसर 1974 था, और जिसके बाद में कलरफुल टेलीविज़न का सबसे पहले प्रसारण 1982 में हुआ था। अगला प्रश्न,
2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले इन द फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2023? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैसी फेयर, जो कि यहाँ पे भी लिखा रहा है कैसी फेयर सबसे कम उम्र की महिला है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप महिला जो फीफा के द्वारा आयोजित कराया जाता है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है, फीफा। अगला प्रश्न, 2023 में लगातार दूसरा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन रेसलर फ्रॉम इंडिया टू विन द सेकंड कंसेक्यूटिव अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन 2023। अंडर 20 जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में हुई थी उसमें सबसे लगातार दूसरी बार जीतने वाली भारत की पहली महिला अंतिम पंगाल जो भारत की सबसे मतलब पहली महिला है जिन्होंने ये रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है जो 2023 में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो हु हैज वोन द टाइटल ऑफ डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023? तो इसका सही आंसर है प्रवीण आंजना, इन्होंने जो 2023 का डिवाइन मिस इंटरनेशनल अवार्ड को जीता है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी एक्टिवली डिप्लॉयड इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर में है जो वहाँ पे ग्लेशियर एरिया है। तो हमारा इसका सही आंसर है कैप्टन शिवा चौहान, ये पहली महिला ऑफिसर बनी है जो कि सियाचिन जो कि हाईएस्ट बैटलफील्ड है वहाँ पर डिप्लॉय की गई थी। ठीक उसी प्रकार आपको मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि ये डिफेंस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो सुखोई फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है अवनी चतुर्वेदी, ये सुखोई है। और राफेल को उड़ाने वाली जो कि हमने फ्रांस से मंगाया है इसको उड़ाने वाली शिवांगी चौहान, और पहली महिला स्काई डाइवर जो कि डिफेंस से संबंधित है तो ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है एमपीपीएससी के द्वारा, तो उनका नाम लांस नायक मंजू था। सो हमारा अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डी, दोनों ही है चूँकि ये रिपीट हो गया है तो हम ऑप्शन डी मानेंगे। यहाँ पे कुछ और लिखा था डॉक्टर सोनाली घोष, ये पहली फील्ड डायरेक्टर बनी है, महिला फील्ड डायरेक्टर बनी है कहाँ की? काजीरंगा नेशनल पार्क। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, असम भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि सेवन सिस्टर्स में आता है। यहाँ के सीएम अभी हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम में और भी नेशनल पार्क है जैसे नामेरी, ओरेंग, कंचनचंगा। सो जब हम नेशनल पार्क की पूरी सीरीज को कवर करेंगे, पूरे नेशनल पार्क कवर करेंगे, तब डेफिनेटली हम हर स्टेट में जितने भी स्टेट में नेशनल पार्क है उनको भी कवर करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। और हमारा अगला प्रश्न, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसने जीता है ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स 2023 में? तो इसका आंसर है एमा स्टोन, उन्होंने जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड है उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा नेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है उसी प्रकार हमें बाफ्टा ये ब्रिटिश फिल्म फेस्टिवल होता है, कांस ये ब्रिटेन में होता है, और कांस जो होता है ये फ्रांस में होता है,
इसी से संबंधित ऑस्कर भी होता है जो कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। सो तीन अवार्ड है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, भेल औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद की नई निदेशक कौन बनी है? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ भेल इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स? तो इसका सही आंसर है बानी वर्मा। बानी वर्मा को न्यू डायरेक्टर बनाया गया है भेल की। एक भेल, ये शॉर्ट फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल, जिसे जिलों जहाँ पे एक बड़ा तालाब, छोटा तालाब और वन विहार नेशनल पार्क है, जो एकमात्र शहर में बसा हुआ नेशनल पार्क है। सो भेल के बारे में हमने जाना, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ICE के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर? सो इसका सही आंसर है प्रोफेसर अनुषा शाह ब्रिटेन की इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स में पहली इंडियन ओरिजिन की महिला प्रेसिडेंट बनी है। सो हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन देखना है हमें, जो कि अपॉइंटेड हुई है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन में। तो इसका सही आंसर है वीटा दानी जी। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जो कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन में की गवर्निंग बोर्ड में अपॉइंट हुई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है, इनका क्या नाम था? तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, ऑप्शन सी। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पूर्व अध्यक्ष थी, जिन्हें पद्म भूषण भी मिला है, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जानते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये 1992 में बना था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत, और इसकी वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी, तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में था। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2023? तो इसका सही आंसर है नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान से, इन्हें 2023 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। और नोबेल पीस प्राइज आपको सभी को पता होगा कि स्वीडन के एक जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति में नोबेल पीस प्राइज को दिया जाता है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी? हु बिकेम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रूलिंग फीमेल हेड ऑफ स्टेट? सो हेड ऑफ स्टेट के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है शेख हसीना, जो कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, और जो कि आवामी जो लीग है उसकी हेड भी है। और शेख हसीना सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली महिला बन गई है। सो बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश भारत से बॉर्डर शेयर करता है एक, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। आप सभी को 1971 के बारे में ज़रूर पता होगा, 1971 में बांग्लादेश को, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट किया गया था वेस्ट पाकिस्तान से, भारत की मदद से। और उसी वक्त ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम दिया गया था, और मुजीबुर रहमान ने इस मूवमेंट को लीड किया था, जो कि आवामी लीग के हेड थे। अगला प्रश्न, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE? तो इसका सही आंसर है कंचन देवी।
कंचन देवी जी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, किसकी? वो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। हमारा अगला प्रश्न, महिला फैशन ब्रांड W ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वुमेन्स फैशन ब्रांड W हैज चोजन विच इंडियन एक्ट्रेस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका सही आंसर है, इसका आंसर है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर W का चुना गया है। सो हमारा अगला प्रश्न, किस चिकित्सा के क्षेत्र में किस महिला को नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सो इसका जैसे विच वीमेन हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज 2023 और नोबेल प्राइज 2023 किस फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में। तो मेडिसिन के फील्ड में ये दिया गया है कैटलिन कारिको, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कैटलिन कारिको को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वो मेडिसिन के फील्ड में। अभी हमने पीस प्राइज के बारे में पहले जान लिया जो कि नरगिस मोहम्मदी थे, ईरान के थे, और इसका अभी मेडिसिन के क्षेत्र में कैटलिन कारिको जो कि हंगरी के थे इनको दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज 2023, नोबेल प्राइज 2023 के बारे में हम जान रहे हैं, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका सही आंसर है क्लाउडिया गोल्डिन जो कि अमेरिका से, इनको नोबेल प्राइज दिया गया 2023 का इकोनॉमिक्स के फील्ड में। सो इसको याद रखने की ट्रिक जो मैंने देखी थी, जैसे इकोनॉमिक्स है तो पैसे की बात है, पैसे गोल्ड सोना चांदी सब पैसे में मतलब मनी कह सकते हैं इनको, जो कि और जिसके सरने में गोल्डिन है तो गोल्ड से आप याद रख लेना गोल्डिन। सो ये गोल्ड से आपको गोल्डिन याद रहेगा और इकोनॉमिक्स में प्राइज दिया गया है, बेसिकली ट्रिक बताई मैंने आपको। सो अगला प्रश्न, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने पिछले वाले पार्ट ए में इसको कवर कर लिया था। इसका सही आंसर शांति कुमारी है। अगला प्रश्न, मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो हु हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है निर्मला लक्ष्मण, ऑप्शन डी निर्मला लक्ष्मण को हाल ही में हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और जो ये कंपनी है मीडिया कंपनी, इसका हेडक्वार्टर बेसिकली चेन्नई में, और ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करती थी 19th सेंचुरी में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगला प्रश्न, 45वें यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो विच इंडियन राइटर हैज बीन ऑनर्ड विथ द 45 यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? तो इसका सही आंसर है जया जादवानी। मैं इसको कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे लग रहे हैं इसके, तो जया जादवानी ही है आई थिंक, मुझे लगता है, बाकी इसका मैं आपको बता दूंगा। हमारा अगला प्रश्न, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज कौन बनी है? तो हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल आर्मलेस आर्चर टू विन द सिल्वर मेडल इन द पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में। एक पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें एक आर्मलेस आर्चर थी जो कि पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने सिल्वर जीता था, तो उनका नाम पूछा गया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है शीतल देवी, ये बहुत फेमस है, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। ये इनके आर्मलेस दोनों हाथ नहीं है और ये अपने पैर के माध्यम से ही आर्चरी में अपनी इन्होंने निपुणता हासिल की है और सिल्वर मेडल भी जीता है। इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है हाल ही में, जो अगला प्रश्न हम शायद सोल्व करेंगे। और शीतल देवी को हाल ही में जो दिव्यांगजनों को अवेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 2023 में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2023? तो इसका आंसर है मेरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन
टू बिकम द चीफ ऑफ CISF. CISF की पहली भारतीय महिला कौन बनी है, जो प्रमुख बनी है? तो आंसर इसका नीना सिंह है. नीना सिंह को CISF की पहली भारतीय महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है. तो CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, जो कि 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था. बेसिकली इसका काम है जो कि जो भी भारत सरकार की PSUs है, जो प्रेशियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा CISF को ही दिया जाता है. तो इनकी प्रमुख बनी है, पहली महिला है, उनका नाम है नीना सिंह. अगला प्रश्न, किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? विच कंट्रीज क्वीन मार्गरेट सेकेंड हैज अनाउंस्ड टू स्टेप डाउन फ्रॉम हर पोस्ट आफ्टर 52 ईयर्स. तो जो मार्गरेट सेकेंड क्वीन है, जो रानी है, ये डेनमार्क की है. इन्होंने अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करते हुए अपनी गद्दी अपने बेटे को दे दी है और ये 52 साल की उम्र में इन्होंने अपना पद छोड़ा है. सो ये डेनमार्क की है. डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है. ये जर्मनी के ऊपर है, बेसिकली यूरोप में. अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला, बिना हाथ वाली महिला, जो अभी हमने डिस्कस किया था, तीरंदाज कौन है? तो हु हैज बिकम द न्यू वर्ल्ड्स, विश्व की पहली महिला आर्मलेस आर्चर, जो अर्जुन अवार्ड मिला है जिन्हें? तो इसका आंसर है शीतल देवी, जिसके बारे में हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं. सो हमारा अगला प्रश्न, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2024 में इसका आंसर है लिली ग्लेडस्टोन. इनको ही जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है, 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड. और गोल्डन ग्लोब अवार्ड आप सभी को बता दूं कि AR रहमान को भी दिया जा चुका है, जो कि भारतीय सिंगर है. अगला प्रश्न, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हु हैज बीन अवार्डेड द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड. तेंजिंग नोर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सविता कसवाल. इनको ये एक जो कि एडवेंचर है, जो कि हिमालय पे जैसे चढ़ते हैं, उन्हें हिमालय पे चढ़ने वालों को बेसिकली तेंजिंग शेरपा बोला जाता है. तो तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड सविता कसवाल को दिया गया है, एक माउंटेनियर है ये. अगला प्रश्न, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि लंबे समय तक हेड ऑफ स्टेट कौन सी महिला रही है. तो इसका आंसर शेख हसीना है, जो कि आवामी लीग से है. ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है. और तो अगला प्रश्न, WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन? तो इसका आंसर है साइमा वाजेद को साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल डायरेक्टर चुना गया है. तो मैं बता दूं कि WHO के बेसिकली 5 रीजनल ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें एक है साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया जो रीजनल है, रीजन है, जो कि एक WHO का जहाँ से वो रूल करते हैं, मतलब लाइक अलग अलग अपने सेंटर्स बना रखे हैं. तो साउथ ईस्ट एशिया से भी ये उनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इन लोगों ने एस्टेब्लिश कर रखा है. न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया है साउथ ईस्ट एशियन रीजन का हेडक्वार्टर, और उसी की रीजनल जो डायरेक्टर बनी है वो साइमा वाजेद बनी है. अगला प्रश्न, भारतीय मूल कि किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की है, ये नॉवेलिस्ट है. वॉज ऑनर्ड विथ सिंगापुर हाइएस्ट आर्ट ऑनर. सो इसका सही आंसर है मीरा चंद को, एक भारतीय इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल की है, एक नॉवेलिस्ट है, जिनको सिंगापुर का हाइएस्ट आर्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है. अगला प्रश्न, घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड इन हॉर्स राइडिंग? तो इसका सही आंसर है दिव्य कीर्ति सिंह, ऑप्शन ए. तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में दिव्य कीर्ति सिंह जो है घुड़सवार है ये, और घुड़सवारी में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है. और एक अर्जुन अवार्ड हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम शीतल देवी को ये दिया गया था. अगला प्रश्न,
फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान मिला है? तो व्हाट पोजीशन हैज निर्मला सीतारमण गॉट इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? फोर्ब्स के द्वारा एक बेसिकली लिस्ट जारी की जाती है, उसमें तो जो 100 महिला है कितनी पावरफुल है उसके बारे में बताया जाता है, कौन महिला कितनी पावरफुल है उनकी रैंकिंग दी जाती है। तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय जो कि मतलब निर्मला सीतारमण के बारे में पूछा गया है, इनको कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो 32वें नंबर पर है टॉप 100 महिलाओं में, जो सबसे ताकतवर मानी जाती है, मतलब उनको ताकतवर मानी जाती है। और जो निर्मला सीतारमण है ये वर्तमान जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें वित्त मंत्रालय संभाल रही है। तो ये वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न, क्रैश फायर टेंडर CFT ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो इसका आंसर है भावना कांत। सॉरी ये इसका ट्रांसलेशन गलत हो गया है, सो ये आप ये डिलीट कर दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे भावना। भावना कांत ये पहली महिला अधिकारी बनी है जो कि CFT से क्रेस फायर टेंडर को ऑपरेट करने वाली एयरपोर्ट पर। सो इसका आंसर है भावना कांत। सो हमारा अगला प्रश्न, फोर्ब्स में दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? हु इज द ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, सिर्फ एक है, टू फीचर इन द फोर्ब्स लिस्ट। अभी फोर्ब्स के बारे में हमने जाना है, तो फोर्ब्स ने सबसे पहले ताकतवर महिलाओं के बारे में पूछा है, अब फोर्ब्स ने पूछा है कि सबसे जो स्पोर्ट्स वुमेन है वो उनमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला कौन सी है उसके बारे में पूछा है। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स भारत से पूछा है, तो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका नाम है PV सिंधु। PV सिंधु हाईएस्ट अर्निंग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको फोर्ब्स की लिस्ट में जगह मिली है। अगला प्रश्न, किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मानित किया गया है? विच इंडियन हैज बीन अवार्डेड द फ्रेंच अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स? सो इसका आंसर है अर्शिया सतार को फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड या लीजन नाम से जो भी अवार्ड आते हैं वो बेसिकली फ्रांस से होते हैं। ये भारतीय प्रधानमंत्री को भी दिया जा चुका है और इससे पहले एक महिला को भी दिया गया था जो हमने पिछले स्लाइड में कवर किया है, उसको आप देख सकते हो। अगला प्रश्न, संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हु हैज बीन ऑनर्ड विद द संगीता कलानिधि अवार्ड 2023? तो इसका सही आंसर है बॉम्बे जयश्री को संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है। और 2021 में आप सभी जानते हैं कि व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था टाइम मैगजीन के द्वारा। अगला प्रश्न, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि न्यूज़ क्लिक के द्वारा हाल ही में किस प्रधानमंत्री को, भारतीय प्रधानमंत्री को उसके फ्रंट पेज पर फीचर किया गया है और पहली महिला कौन थी? सो मैं आपको बता ही देता हूँ कि न्यूज़ क्लिक जो कि एक अमेरिकन कंपनी है उसमें उसकी मैगजीन में फ्रंट पेज पर सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को फीचर किया गया था और हाल ही में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी फीचर किया गया है। तो न्यूज़ क्लिक के बारे में याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न, किस अभिनेत्री ने अपना पहला उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? विच एक्ट्रेस हैज लॉन्च्ड हर डेब्यूट नोवेल? ये डेब्यूट नोवेल है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये किसका है? तो ये ह्यूमा कुरैशी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, इन्होंने अभी हाल ही में अपना डेब्यूट नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन DGP ऑफ महाराष्ट्र? IPS रश्मि शुक्ला, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IPS रश्मि शुक्ला को हाल ही में महिला DGP नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बारे में आप सभी जानते ही है बखूबी कि अभी वर्तमान में जो एकनाथ शिंदे जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और
बॉम्बे, और जिसके बाद में नवी मुंबई और जो बॉम्बे के बीच में एक ब्रिज बनाया गया है, वो लॉन्गेस्ट या कुछ उसका एक फैक्ट है जो भी मुझे याद नहीं आ रहा है बेसिकली, मैं आपको आगे बताऊंगा याद आएगा तो। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर है वाहिदा रहमान। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, इंडियन ऑयल के अगले निदेशक मानव संसाधन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल? तो इसका सही आंसर है रश्मि गोविल। इनको हाल ही में नेक्स्ट डायरेक्टर या अगले निदेशक इंडियन ऑयल के नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश सिख ट्रेकर ने एकल स्काइलिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो विच ब्रिटिश सिख ट्रेकर हैज सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर सोलो ट्रेकिंग? इसका आंसर है हरप्रीत चंडी। इन्होंने हाल ही में, ये ब्रिटिश ओरिजिन ब्रिटिश सिख है बेसिकली, तो इन्होंने ट्रेकर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है सोलो में। अगला प्रश्न, शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री आप याद रखिए ब्रिटेन की है ये बेसिकली, तो न्यू होम प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सविता लाडेज। इनको हाल ही में जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक? तो इसका आंसर हमारा नादिया केलिबिनो। ये हमने आई थिंक पूर्व में इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारा पार्ट है था उसमें हमने इसको डिटेल में चर्चा की थी। अगला प्रश्न, स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब किस स्क्वैश खिलाड़ी ने जीता है? तो विच स्क्वैश प्लेयर हैज़ वोन द स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 टाइटल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनहत सिंह। अनहत सिंह एक स्क्वैश प्लेयर है, इन्हीं ने हाल ही में जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, किस गायक ने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो विच सिंगर हैज मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सिंगिंग इन मोस्ट लैंग्वेजेस? तो इसका सही आंसर है सुचेता सतीश, ऑप्शन डी सुचेता सतीश ने मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर की जो मतलब अधिकांश लैंग्वेज में गाना गाया है और रिकॉर्ड किया है। सो अगला प्रश्न, पाकिस्तान ने पहली बार किसी हिंदू महिला ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है, उसका नाम क्या है? तो फॉर द फर्स्ट टाइम हे हिंदू वुमेन हैज फाइल्ड नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन इन पाकिस्तान, तो व्हाट इज हर नेम? तो सही आंसर है डॉक्टर सवीरा प्रकाश, ऑप्शन डी। ये पाकिस्तान की महिला है, इन्होंने हाल ही में, ये पहली हिंदू महिला है जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। और आप सभी जानते हैं पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की हालत किस लेवल की है, तो माइनॉरिटीज़ को इतना अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बेसिकली मिलती नहीं है, तो सब इसीलिए पहली बार किसी महिला ने नॉमिनेशन किया है, तो चर्चा का विषय ऑब्वियसली रहेंगी और इनके बारे में हमारी जानकारी हमें रखना भी चाहिए। और पिछले भी पास्ट के दिनों में पहली महिला हिंदू DSP बनी थी और जिसके बाद में पहली महिला जज बनी थी, उनके बारे में भी हम जानकारी रखेंगे। हो सका तो इससे संबंधित 4 से 5 प्रश्न और भी महिलाओं से संबंधित जो न्यूज़ में रहेंगे या करंट के 1-2 महीने के रहेंगे, मैं अवश्य आप लोगों को प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। और अगले लेक्चर में हम कुछ भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, जैसे या तो अवार्ड्स के बारे में या सैन्य अभ्यास के बारे में जो कि पास्ट में PSC के द्वारा पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को PDF टेलीग्राम चैनल पर VNIS के मिल जाएगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको अटैच कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।